लगभग मई जून में स्टार मेकर के द्वारा जो न्यू अपडेट किया गया है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैंने जिस दिन इसको अपडेट किया था उस दिन मुझे खुद अजीब सा लगा था। देखिए, स्टार मेकर जो ही आप ओपन करते हैं अपडेट करने के बाद प्ले स्टोर से, अगर आपने अपडेट किया है या करने वाले हैं, तो आपको एक नया फीचर मिलेगा और वो फीचर काफी थोड़ा सा ऑड सा मेरे को महसूस हुआ। जो सिंपलिसिटी होनी चाहिए जो पहले था वैसा नहीं है। अब आप देखिए, ये जो ही हमने स्टार मेकर को ओपन किया तो आपको कुछ इस प्रकार का लुक दिखेगा। अब यहाँ पर जो नीचे पहले मी लिखा हुआ होता था उस पर क्लिक करके आप अपने आईडी पर जा सकते थे, प्रोफाइल पर जा सकते थे, वहां पर अब जो है यहाँ पर ये चैट लिखा हुआ आ रहा है और नीचे उसके बगल में सिंग, फिर ये प्लस का निशान है बिल्कुल नीचे की ओर, देखिए बॉटम में, फिर मोमेंट, फिर पार्टी। तो अब देखिए, जो ही आप खोलेंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ये जो पोर्शन है इसमें जितने चैटिंग वाले हैं, जिसने जिसके साथ आप चैट करते हैं, जिन लोगों ने आपको कोई मैसेज किया है या किसी को भी आपने मैसेज किया है, लेटेस्ट जो मैसेज है ये ऊपर आपको दिखेंगे इस तरीके से, ये जैसे मेरे को दिख रहा है। इसके बाद सबसे ऊपर देखिए, मैं सबसे ऊपर से शुरू करता हूँ, तो सबसे ऊपर देखिए मेरी फोटो दिख रही है कोने में, यहाँ पर आपकी फोटो दिखेगी आपकी आईडी में। आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यही क्लिक करेंगे तब आप यहाँ पे उस पेज पर पहुंचेंगे जो पहले मी में पहुंचता था। तो ये आपकी प्रोफाइल दिख रही है, इस प्रोफाइल में वो सब चीजें वैसे ही हैं, आपके फॉलोअर्स, फॉलोइंग, ये ड्राफ्ट बीच में ड्राफ्ट माई सॉन्ग्स वगैरह, ये सब दिखेंगे आपको जो कुछ भी है। यहाँ पर ये कवर, ये डुएट, ये मोमेंट्स है ना, ये होम पेज आपका, वो सब वैसे ही दिखेंगे। लेकिन इसके प्लेस को इन्होंने चेंज कर दिया। प्लेस कहाँ कर दिया, ये ऊपर जो आपको एक आइकॉन दिख रहा है, जैसे मेरी फोटो दिख रही है सबसे ऊपर, वहां पर आपको क्लिक करनी पड़ेगी उंगली से। तो चलिए, ये तो हो गया, हम यहां से होम पेज पे चले गए, ये अपने प्रोफाइल पर चले गए, उसके बाद वैसे ही है कुछ जैसा पहले आपको दिखता था। जब आप अपडेट करने के बाद ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको चैटिंग बॉक्स आपके सामने आएंगे। अब ये देखिए, सबसे ऊपर ये चैट लिखा हुआ है, अभी फिलहाल आप कहां है, नीचे जो कोने में चैट लिखा हुआ है उसके ऊपर आपने क्लिक कर रखा, बाय डिफॉल्ट वहीं से आपका ये शो होगा स्क्रीन पर। जो ही आप स्टार मेकर ओपन करेंगे तो ये चैट पर ही आपको ऑप्शन मिलेगा और सीधा सीधा ये पेज खोल के आपके सामने आएगा। इसके ऊपर ऊपर की तरफ देखिए, ये जो चैट लिखा हुआ है उसके बगल में नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सब सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि ये विजिटर ट्रेस है, कितने लोगों ने मेरे आईडी पर अभी तक विजिट करी है, ये यहाँ पर दिखेंगे आपको इस नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में। जैसे मैंने विजिटर ट्रेस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे दिख रहे हैं कि इन तीन लोगों ने अभी जस्ट मेरे आईडी पर विजिट किया है। जो वीआईपी लोग होते हैं उसको ये परमानेंटली यहाँ पे देखते हैं। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है व्यू ऑल विजिटर परमानेंटली, इसके लिए हमको वीआईपी होना जरूरी है, तब हम यहाँ से क्लिक करके हम परमानेंटली देख सकते हैं। जितने भी आते जाएंगे सब दिखेंगे, जितने भी इसके पहले विजिट किए सब लोग दिखेंगे। चलिए यहाँ से वापिस जाऊं, और इसके बाद ये विजिटर ट्रेस के बाद ये नीचे आता है अपडेट, बीच में इस अपडेट में देखिए, जो फॉलोइंग्स थे आपके, आपके फॉलोइंग, आपको जिन लोगों ने फॉलो कर रखा है उन लोगों ने जो जो एक्टिविटीज की है, किसको किसको गिफ्ट दिया, किसके गाने पर इन लोगों ने लाइक कमेंट किए हैं, वो सब यहाँ दिख रहे हैं। बगल में फैन, इस फैन का मतलब है जितने लोगों ने आपको अभी फॉलो कर रखा है या आपको कोई मैसेज किया है फॉलो करने के बाद, तो वो उनकी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद लाइक्स, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जिन गानों को या किसी ने भी आपके जिन सॉन्ग्स को किसी ने लाइक किया है या कॉमेंट किया है, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो यहाँ से फिर हम बैक जाते हैं। इसके बाद देखिए सेक्शन में है मेंशन, ये मेंशन पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने कोलैब बनाकर छोड़ा है, वो सब आपको एक लाइन से यहाँ पर देखना। आपके जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने अगर कोई कोलैब या आपने जिनको फॉलो कर रखा है उनके कोई कोलैब अगर वो पोस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर उसके नोटिफिकेशन मेंशन में आते हैं। और ये भी शायद दो तीन लोगों ने मेरे किसी सॉन्ग को ज्वाइन किया है, उनके भी नोटिफिकेशन यहाँ आपको दिखेंगे। ये नीचे चैट लिखा है और उस पर जब आप क्लिक करेंगे और ऊपर ये नोटिफिकेशन, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सेक्शन आएंगे, इसमें विजिटर ट्रेस, अपडेट्स, मेंशन एंड इसके बाद आता है कमेंट्स। किसी ने अगर आपके सॉन्ग को कमेंट किया है तो जितने लोगों ने आपके सॉन्ग को कमेंट किया है उन कमेंट्स वाले, आपको जितने लोगों ने किया है कमेंट उनके सभी के ये कमेंट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे क्या कमेंट किया है। इसके बाद किसी ने अगर आपको गिफ्ट दिया है तो ये नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है गिफ्ट, इस गिफ्ट पर आप क्लिक करेंगे तो जितने लोगों ने आपको फिलहाल गिफ्टिंग करी है वो गिफ्ट एक लाइन से आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो स्टार मेकर का ये अपडेट कुछ थोड़ा सा अटपटा सा तो है, पर जो चीज पहले सिंपलिसिटी थी वो काफी कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसके बाद नीचे की ओर देखिए ये सिंग ऑप्शन लिखा हुआ है, जब हम सिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आता है कि आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, सोलो, सिंग, ये देखिए बगल में सिंग 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 लिखा हुआ है, ये सब है, माई सॉन्ग्स हैं जिसको अभी तक आपने
दो चार बार ट्राई किया, सुना वो करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए, और फिर उसको आपने पोस्ट नहीं किया लेकिन केवल आपने सुना ही है, तो यहाँ पे ये लिस्ट दिखाई देगी। फिर किसी आर्टिस्ट का आपको चाहिए तो यहाँ से उन आर्टिस्ट के सॉन्ग आप चुन सकते हैं। फिर सिलेक्शन लिखा हुआ है, ये भी है यहाँ से आपकी हॉट है, मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स, बॉलीवुड सिंगर्स, ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये ड्यूट्स हैं, स्टार मेकर पर गाने वाले ऐसे लोग जिनके ड्यूट को बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, अच्छे सिंगर हैं, उनकी लिस्ट आपको एक लाइन से मिल जाएगी, उनके सॉन्ग्स अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ये पार्टी, फिर ये लाइव आप कर सकते हैं, फ्री स्टाइल, ये सब आपको जो चीज पहले कहीं और मिलता था आज आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ? यहाँ पर ये बॉटम में देखिए नीचे सिंग लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सब मिलेंगे। इसके बगल में ये रिंग टोन है, सेलिब्रिटी है, तो ये सब आपको एक बार देखना है। इसके बाद ये जो बॉटम में है नीचे प्लस का निशान बना हुआ है, इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो देखिए ये आप कहाँ पहुंचते हैं, सीधे आप अपने उसमें पहुंचते हैं जो आपको गैलरी है, मोबाइल गैलरी है, वहां पहुंचते हैं, वहां से आप कोई फोटो या कोई चीज चाहें तो आप यहां से शेयर कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। इसके बाद इसके बगल में ये आता है मोमेंट, ये नीचे बिल्कुल नीचे देखिए मोमेंट। इस मोमेंट में अब हम जब जाएंगे तो हमारे जितने हमको जिन लोगों को फॉलो कर रखा है और जिन्होंने हमें फॉलो कर रखा है उनके सॉन्ग्स अगर उन्होंने कोई पोस्ट किया है तो वो सब एक लाइन से यहाँ पर आपको रिकमेंड होता है ऑलरेडी स्टार मेकर की तरफ से, आते रहते हैं क्लिक करके कि आपके जो फॉलोअर्स हैं या आपने जिनको फॉलो कर रखा है उन लोगों के सॉन्ग अगर वो कोई पोस्ट करते हैं तो, या कोई भी पोस्ट डालते हैं, किसी भी प्रकार का पोस्ट डालते हैं, तो यहाँ पर एक के बाद एक आते रहते हैं। इसके बाद रिकमेंडेड, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सॉन्ग्स आपने कभी सुने होंगे, ये एक एल्गोरिदम है किसी भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, आप जिस प्रकार के एक्टिविटीज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिस प्रकार के जिन लोगों के वीडियोस या सॉन्ग्स आप सुनते हैं उन लोगों के सॉन्ग्स को वो आपको हमेशा जब आप मोबाइल पे अपना कुछ सर्च करेंगे तो उनको ज़रूर वो रिकमेंड करेंगे कि इनको सुनिए या आपने कभी इनको सुनने की कोशिश करी। इसके बाद ये फैमिली हैं, आप यहाँ से फैमिली मेम्बर्स को ढूंढ सकते हैं, आपका जो भी फैमिली है उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ये इन्फ्लुएंसर वगैरह है। ये मोमेंट हो गया, मोमेंट के बाद इस साइड में कोने में देखिए पार्टी लिखा हुआ है। इस पार्टी में यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर लाइव है, जो लोग लाइव है आप यहाँ से क्लिक करके उनके लाइव देख सकते हैं, आपके जो फॉलोअर्स होंगे या आपने जिनको फॉलो कर रखा है उन लोग अगर लाइव में होंगे तो यहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। कराओके हैं इसके बगल में, ये डुएट है, और कुछ ही पार्टी रूम वगैरह जो अच्छे अच्छे पार्टी रूम्स हैं जिनके ज्वाइनिंग्स हैं या मेम्बर्स हैं या जो भी उसकी रैंकिंग अच्छी है उन लोगों की दे रखे हैं। इसके बाद ये तो हो गए नीचे के, ये तीन प्रकार के, ये तीन चार पांच प्रकार के जो नीचे इन लोगों ने सेक्शन दे रखा है। इसके बाद जब हम मोमेंट ऑप्शन पर जाते हैं या पार्टी रूम पर जाते हैं तो ये कोने में ये कुछ निशान सा दिख रहा है, चलिए आइए देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपको डेली रिवार्ड्स जो होते थे पहले वो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। डेली रिवार्ड्स के लिए जो आपको जाना होता था तो आप अपनी आईडी में चैट में नहीं बल्कि ये जो नीचे पार्टी लिखा है या मोमेंट लिखा है या सिंग लिखा है इसके किसी भी ऑप्शन में जब जाएंगे तो ऊपर ये जो चौकोर प्लस का निशान बना हुआ है इसमें जब जाएंगे तो आपको डेली रिवार्ड्स यहाँ से मिलेंगे। इसी प्रकार से ये जो आपका सिंग ऑप्शन है, सिंग ऑप्शन में यहाँ देखिए ऊपर ये जो भी हमने आपको बताया था माई सॉन्ग आर्ट ये सब चीज़ें हैं, ये यहाँ पर लाइव है और फ्री स्टाइल भी आप सॉन्ग अगर गाना चाहें तो यहाँ पर ये कोने में फ्री स्टाइल है, ये लाइव है, पार्टी रूम है। तो कुल मिलाकर आप जो ही अपडेट करेंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको मिलेगा। साथ ही आपको अपने मूल प्रोफाइल में जाने के लिए जो ऊपर सबसे ऊपर कोने में निशान बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो जा पाएंगे। और यहाँ पर इसके बगल में प्लस का निशान लगा हुआ है, इसको भी क्लिक करके देखता हूँ क्या है ये। यहाँ पे कॉन्टेक्ट, न्यू चैट, एड, फिर ये सब ग्रुप, ये इसमें मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, पता नहीं क्या है। तो कुल मिलाकर हम अपने फोटो पे क्लिक करते हैं और फोटो पर क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ से हम अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं जैसा कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं। इसमें एक चीज और बता दूं आपको, जैसे आपको कोई फोटो ऐड करना है तो ये जो आपकी प्रोफाइल दिख रही है, जैसे ये मेरी बेटी फोटो दिख रही है, इसी फोटो के ऊपर जो ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्लस का निशान आता है, यहाँ जाकर के आप फोटो वगैरह अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। और ये जो ऊपर दो तीन चार निशान बने हुए हैं ये जो षटकोण टाइप का है ऊपर, ये आपकी सेटिंग वाला ऑप्शन है, ये सब आप लोग पहले से ही जानते हैं सब। और इसके बाद यहाँ से ये तीर का निशान बना हुआ है, यहाँ पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो पता नहीं ये शेयर वेयर के लिए क्या कुछ आ रहा है,
हम इन सब पर शर्मे नहीं पड़ते। इसके बाद ये ऊपर YouTube का एक निशान बना हुआ है, अगर हमने YouTube, Instagram कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ऐड कर रखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे उस YouTube चैनल पर जा सकते हैं जिसको हमने यहाँ लिंक कर रखा है, या Instagram चैनल पर Instagram ID पर जा सकते हैं। तो जैसे आपको मेरी Instagram ID चाहिए या मेरे YouTube चैनल पर जाना है तो आप इस YouTube वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके YouTube पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए मेरे YouTube चैनल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जो है आप अगर मेरे Instagram ID पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे Instagram ID पर पहुंच जाते हैं। तो आप लोग यहां पर ऊपर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मेरे प्रोफाइल में YouTube के जो निशान बना है उसके बगल से ये जो एक प्लस का निशान बना हुआ है उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये सब फाइंड नियर बाई फ्रेंड्स, आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उनको आप चाहें तो तलाश सकते हैं। जैसे फेसबुक फ्रेंड, कॉन्टेक्ट फ्रेंड, जो जिनका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में है उनसे आप, तो इन सब चक्करों में मुझे नहीं लगता है कि आपको एडवर्ट करना चाहिए। कभी कभार जो है कई लोगों ने किया था, एक जमाने में स्टार मेकर ने बहुत कोशिश करी थी कि आप अपने आईडी को फेसबुक से लिंक करिए, उसके बाद बहुत सारे लोग उससे परेशान हुए हैं और आज के डेट पर वो फिर आईडीज को रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो जो भी हो, स्टार मेकर ने इस अपडेट को देकर के एक हम जैसे लोगों के लिए जो काफी कुछ जानते हैं स्टार मेकर के बारे में, उसके बाद भी हमें कुछ अटपटा सा लग रहा है कि नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड ऐप नहीं बनाना, नहीं देना था इंटरफेस। जो भी हो, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि लगभग कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो फिलहाल आप सभी से विदा लेता हूँ। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।